हमने बहुत विश्वास पूर्वक श्रद्धा पूर्वक कहा कि संपूर्ण हिंदू समाज के संगठन के दृष्टि से संघ की कार्य पद्धति स्वयं पूर्ण है और परम वैभवम तक पहुंचने के दृष्टि से संघ की जो ऑल आउट स्कीम है वह समर्थ है, सक्षम है। यह बात कल हमने बहुत विश्वास पूर्वक श्रद्धा पूर्वक कल कही, किंतु इसके कारण यदि किसी को ऐसा लगता होगा कि जब मैंने शाखा में आना शुरू किया उस समय भी संघ की कार्य पद्धति पर मेरी इतनी ही दृढ़ श्रद्धा थी, ऐसा यदि किसी को लगता होगा तो वो गलत है। श्रद्धा थी, शाखा में आता था, संघ के सिद्धांत, संघ के नेता, संघ के कार्यकर्ता, संघ की कार्य पद्धति सब ठीक है, ये भी लगता था, श्रद्धा भी थी। लेकिन श्रद्धा रहते हुए मन में प्रश्न, संदेह, शंकाएं भी निर्माण होती थी। कुछ लोगों का ऐसा ख्याल है कि जहां श्रद्धा है वहां संदेह या प्रश्न मन में आना ही नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। जहां जिज्ञासा है वहां प्रश्न मन में निर्माण हो गए, संदेह मन में निर्माण हो गए। किसी के मन में प्रश्न या संदेह निर्माण होता है इसका मतलब ये नहीं है कि उसके मन में श्रद्धा नहीं है, ऐसा नहीं है। जिज्ञासावश श्रद्धालु व्यक्ति के मन में भी प्रश्न निर्माण होता है। अब गीता का इतना बड़ा उदाहरण देखिए, अर्जुन से अधिक श्रद्धावान कौन हो सकता है, जिसने कहा कि यच्छ्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, तुम आदेश दे दो वैसा मैं काम करूंगा। इतना जिसने सीधा कहा कि मैं तुम्हारा शिष्य हूं, मैंने लड़ना या नहीं लड़ना इसके विषय में एक निश्चित आदेश दीजिए, जो आप आदेश देंगे मैं पालन करूंगा। अब इससे अधिक श्रद्धा क्या हो सकती है? किंतु भगवान ने सीधा जवाब नहीं दिया कि लड़ो या मत लड़ो, तो उसने जो भूमिका बांधी थी कि मेरे मन में संभ्रम क्यों पैदा हुआ, तो जो भूमिका बांधी थी उसमें जो कई विषय आए थे हर एक विषय का स्पष्टीकरण देने का प्रयास भगवान ने किया। और मामला यह हुआ कि जैसे जैसे वो स्पष्टीकरण देते गए, स्पष्टीकरण में से और अन्य प्रश्न अर्जुन के मन में निर्माण होते थे, उन प्रश्नों का निराकरण करने के लिए वो उत्तर देते थे, उत्तर तो जचता था लेकिन उत्तर में से और नए प्रश्न निर्माण होते थे, उनका समाधान करने के लिए और वो कुछ स्पष्टीकरण देते थे, उसमें से और संदेह निर्माण होते थे, फिर उसका स्पष्टीकरण करना पड़ता था। ऐसा करते करते 18 अध्याय तक गीता जाती। इसका मतलब ये नहीं है कि अर्जुन के मन में श्रद्धा कम थी, आखिरी में भी वो कहता है स्थितोस्मि कृत संदेह करिष्ये वचनम तव, आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा, श्रद्धा पूरी है। लेकिन कुछ लोग जो सोचते हैं कि श्रद्धा है तो इसका मतलब प्रश्न या संदेह मन में निर्माण नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं। टेनिसन ने ऐसा कहा है कि देयर इज मोर फेथ इन ऑनेस्ट डाउट, प्रामाणिक संदेह यह ज्यादा श्रद्धा का है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो मन में जिसके जिसके मन में जिज्ञासा है उसके मन में प्रश्न निर्माण हो सकते हैं। इसलिए जिज्ञासा युक्त श्रद्धा, और जिस श्रद्धा में जिज्ञासा ही समाप्त हो जाती है उसी को अंधश्रद्धा कहते हैं। संघ में अंधश्रद्धा नहीं है, जिज्ञासा युक्त श्रद्धा है। तो हमारे मन में यह सारा हम सुनते थे जो कल हमने आपको सुनाया, ये कोई हमारा नहीं है, हमने जो सुना है गुरुजनों से वही आपको कल बताया कार्य पद्धति के विषय में, तो हमने सारा सुना, तो हमको ये तो बात जज गई कि हमारी कार्य पद्धति स्वयं पूर्ण है। लेकिन फिर भी बाहर के परिस्थिति को देखते हुए कुछ न कुछ प्रश्न और संदेह मन में निर्माण होते थे। मैं मैट्रिक पास करके नागपुर में कॉलेज में आया 1936। अब उसके 2 साल पहले 1934 में कांग्रेस के अंतर्गत एक गुट निर्माण हुआ था जिसका नाम था कांग्रेस सोशलिस्ट ग्रुप। और इस ग्रुप के नेताओं की विशेषता ये थी कि ये पब्लिसिटी के मामले में बहुत चालाक थे या होशियार थे या
क्या कुछ जो विशेषण आप चाहे अच्छा बुरा आप लगा सकते हैं, लेकिन पब्लिसिटी के मामले में वो बहुत एक्सपर्ट थे। माने जो गांधीवादी कांग्रेसी लोग थे उनको सबसे ज्यादा प्रसिद्धि पब्लिसिटी मिलती थी, इसमें आश्चर्य नहीं। लेकिन उनको यदि छोड़ दिया तो हिंदुस्तान में नेक्स्ट टू गांधीवादी कांग्रेसी यदि किसी को सबसे ज्यादा पब्लिसिटी मिलती होगी सोशलिस्टों को मिलती थी। अब हम अखबार वगैरह पढ़ते थे, अब हम ये भी देखते थे कि ये सोशलिस्ट ज्यादा काम तो नहीं कर रहे। हम संघ वाले हर दिन शाखा में जाते हैं, स्वयंसेवक के यहाँ जाते हैं, एक एक के साथ संपर्क रखते हैं, कोई स्वयंसेवक बीमार होता है तो रात रात उसके यहाँ जागरण करते हुए अटेंड करते हैं, सारा हम काम करते हैं। अब ये तो केवल भाषण देते हैं और स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन इनका नाम हर दिन हम अखबार में देखते हैं। और हमारा इतना बड़ा काम है, कोई इसकी पब्लिसिटी नहीं, कुछ नहीं, क्या बात है। तो कार्य पद्धति पर विश्वास था, लेकिन ये लगता था कि भाई ठीक है, दिन प्रतिदिन का एकत्रीकरण, सामूहिक कार्यक्रम, सामूहिक कार्यक्रमों के माध्यम से सामूहिकता का संस्कार, ये सारा ठीक है, हम मानते हैं। लेकिन उसमें और भी ये थोड़ा जोड़ दिया कि धुआधार प्रसिद्धि जैसे सोशलिस्ट ले रहे, आपत्ति क्या है, अधिकस्य अधिकम फलम। हम आपस में चर्चा करते थे तो हमारे कॉलेज के मित्रों ने कहा, अरे भाई ये बड़ा प्रोग्रेसिव विचार है, ये संघ वाले तो ये कम है, ये दकियानुसी विचारों के लोग है, ये नई नई बातें इनके दिमाग में आती नहीं, वही पुरानी रट लेकर चल रहे हैं, नहीं तो धुआंधार पब्लिसिटी करने में आपत्ति क्या है, जो तुम्हारी कार्य पद्धति है इसके कारण जो फल मिलना वह भी मिलेगा, पब्लिसिटी के कारण जो मिलना है वह भी मिलेगा, तो अधिकस्य अधिकम फलम और उसमें एडिशन हो सकती है। हमारे भी मन में विचार था। अब उन दिनों में हम ये तो नहीं जानते थे, जैसा आजकल जो नया साइंस आया है बिजनेस मैनेजमेंट का, उसमें एक सिद्धांत है कि आप कोई भी कंपनी निकालिए, आजकल खासकर पिछले 30 साल में अब सब लोगों ने मान लिया है कि यदि बिजनेस या उद्योग चलाना हो तो केवल आवर टू आवर प्लानिंग से नहीं चलता। आवर टू आवर प्लानिंग माने आज मार्केट की क्या कंडीशन है ये देख लिया, आज की स्ट्रैटेजी तय की, कल की मार्केट कंडीशन देखकर कल की स्ट्रैटेजी तय की, इससे नहीं चल सकता, ये तो विश्वास अब सबको हुआ है। और इसके लिए ये अब सबने मान लिया है, बिजनेस हो इंडस्ट्री हो, कि भी प्लानिंग जो है जरा लंबी होनी चाहिए, 20-25-30 साल की प्लानिंग होनी चाहिए, ये अभी सबने मान लिया है, और उसके अंतर्गत कुछ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो बिजनेस मैनेजमेंट के एक एक्सपर्ट ने हमको बताया कि बोले हमारा एक ऐसा सिद्धांत है कि कोई भी कंपनी एक बार अपने लिए लॉन्ग रेंज प्लानिंग करते समय, कॉरपोरेट प्लानिंग करते समय जो स्ट्रैटेजी तय करती है उसे स्ट्रैटेजी को चिपक कर चलना चाहिए। ऐसा हो सकता है, परिस्थितियां सब समय समान नहीं रहती, उसी स्ट्रैटेजी को लेकर चलने से जैसे आज लाभ हो सकता है 10 दिन के बाद कुछ नुकसान भी हो सकता है, लेकिन ऐसा पकड़ना छोड़ना ऐसी वृत्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ, पहले से कल्पना करनी चाहिए कि हम अपनी स्ट्रैटेजी को लेकर चलेंगे तो कभी कभी नुकसान हो सकता है, कौन सी परिस्थिति में नुकसान हो सकता है, जो नुकसान होगा उसको कम से कम मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है, ये भी सोचना चाहिए, लेकिन स्ट्रैटेजी को छोड़ना नहीं चाहिए। और जो आप स्ट्रैटेजी बनाएंगे उसमें दूसरी स्ट्रैटेजी भी जोड़ना हो, पहले स्ट्रैटेजी से सुसंगत होनी चाहिए। उन्होंने हमको एक उदाहरण बताया, उन्होंने कहा कि अमेरिका में एक उद्योग में कुछ बड़ी फर्म में काम कर रही थी। अब उन्होंने अपना लॉन्ग रेंज प्लानिंग जो किया उसमें आधार उनके लॉन्ग रेंज प्लानिंग का था कि एडवर्टीजमेंट पर ज्यादा पैसा खर्च करना। अब कुछ उद्योगी लोग एकत्रित आए, उन्होंने शेयर कैपिटल इकट्ठा किया और मध्यम साइज की एक कंपनी निकाली जिनके साथ कंपटीशन जो पहले से मार्केट कैप्चर किए हुए है वो बड़ी कंपनियां थी, इनकी मध्यम साइज की कंपनी थी। उनका उनकी स्ट्रेटेजी थी कि एडवर्टीजमेंट पर बहुत खर्चा करना। इन्होंने कहा ये तो हम कर नहीं सकते, हमारी दूसरी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। उन्होंने स्ट्रेटेजी ये की कि देर लगे तो आपत्ति नहीं, लेकिन माल अच्छा रहे, कीमत कम रहे, अच्छा माल कम कीमत, क्वालिटी प्रोडक्ट विथ लोअर प्राइसेस, ये उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी तय की। अब भगवान की दया से उनको जो लगा था कि मार्केट में इनके कंपटीशन में आगे बढ़ने में बहुत साल लगेगा, ऐसा नहीं हुआ।
थोड़े ही वर्षों में वो कंपटीशन में उन पर मात कर गए। बड़ा आनंद हुआ डायरेक्टर लोगों को। फिर जो बैठक हुई तो डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में उन्होंने इस पर तो संतोष प्रकट किया कि हमारी जो स्ट्रैटेजी थी बड़ी सफल रही, अच्छा माल और कम कीमत। लेकिन एक ने सुझाव दिया कि इसमें वो दूसरी भी स्ट्रैटेजी जोड़ने में आपत्ति क्या है, वही बात अधिकस्य अधिकम फलम, और लाभ होगा। वो जैसे एडवर्टीजमेंट पर अंधाधुंध खर्चा कर रहे, हम कुछ ज्यादा खर्चा करें, इतना नहीं कर सकते तो भी। तो एक स्ट्रैटेजी उसमें जोड़ दी कि एडवर्टीजमेंट पर भी खर्चा करना चाहिए। परिणाम यह हुआ कि स्टाफ उतना ही था, काम करने वाले उतने ही थे। जो पहले से काम चल रहा था अच्छा माल कम कीमत वाला, उसी में सारे लोगों का एकाग्र चित्त होता था, कॉन्सेंट्रेशन होता था, इसलिए सारा कंपनी का काम ठीक चल रहा था। अब एक नई स्ट्रैटेजी ऐसी जोड़ दी जो पहले स्ट्रैटेजी के साथ मेल नहीं खाती थी, और नई स्ट्रैटेजी होने के कारण उधर ज्यादा ध्यान देना पड़ा। उधर जैसे ध्यान ज्यादा देना पड़ा, ज्यादा लोगों को उधर लगाना पड़ा, तो इधर जो था कि क्वालिटी अच्छी रहनी चाहिए इसके बारे में आग्रह है, प्राइसेस कम होनी चाहिए उसके बारे में आग्रह है, वो धीरे धीरे ढीला होता गया। परिणाम ये हुआ कि इनकी जो विशेषता थी मार्केट में, ये फलानी कंपनी है, ये ब्रांड है, तो ये क्वालिटी बिल्कुल निश्चित जैसी है वैसे रहेगी, स्टैंडर्ड रहेगी, ये इनकी प्रसिद्धि भी समाप्त हुई। और एडवर्टीजमेंट में बड़े कंपनियों के साथ ये टिक भी नहीं सके, इधर से भी गए उधर से भी गए, मार्केट इनके हाथ से निकल गया। इस तरह का एक उदाहरण उन्होंने हमको दिया। अब ये बातें तो हम उन दिनों में जानते नहीं थे जब कॉलेज में थे। हमारे भी मन में आता था कि भाई संघ वाले अच्छे हैं, सब अच्छा है, लेकिन ये दुनिया नई नई बातें ले रही है और ये अपने दक्षारम चला रहे। ठीक है, दक्षारम का भी उपयोग है, ये कार्य पद्धति भी अच्छी है, लेकिन उसमें और एक आयाम और एक डायमेंशन जोड़ने में आपत्ति क्या है, ऐसा हमको लगता। अब संघ की भूमिका उस समय क्या थी? मोटी तौर पर तो हम प्रसिद्धि विन्मुख ही थे। प्रसिद्धि के आधार पर संघ को बढ़ाना यह सोचा नहीं था। इसका मतलब यह नहीं था कि बिल्कुल हम प्रसिद्धि को अस्पृश्य मानते थे, कभी छूते नहीं थे, ऐसा नहीं था। प्रारंभ से विजयादशमी 1925 में जब संघ की स्थापना हुई तो नागपुर के जो अखबार थे और इधर उधर के नजदीक के, सब में इतनी तो खबर आई थी कि भाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम का कोई नया काम शुरू हुआ है, फलाने फलाने व्यक्ति का भाषण हुआ, इतना तो आया था। उसके बाद भी अपने जब उत्सव होते थे, या पंडित मदन मोहन मालवीय हो, बाकी लोग हो, जब संघ स्थान पर विजिट देने के लिए आते थे, उनके भाषण होते थे, तो थोड़ा सा उसका वृत्तांत अखबार में आता था। लेकिन जिसको धुआंधार प्रचार कहा जाए ऐसा नहीं था। एक आध बार कभी संघ के विषय में एक आध खबर समाचार पत्रों में आती थी। तो प्रसिद्धि विन्मुख था, यही मोटी तौर पर हमारी पॉलिसी थी। अभी मैं मजदूर संघ का काम कर रहा हूं, इसलिए दूसरा शब्द उपयोग में लाने का मुझे मोह हो रहा। हमारे मजदूर क्षेत्र में एक शब्द है, नीड्स बेस्ड मिनिमम वेज, माने आवश्यकता पर आधारित कम से कम तनखा, ऐसा हम कहते हैं। मुझे मोह हो रहा इस शब्द का प्रयोग करने का कि संघ की भी पॉलिसी नीड्स बेस्ड मिनिमम पब्लिसिटी की होगी, कि आवश्यकता पर आधारित कम से कम प्रसिद्धि। और इसलिए बिल्कुल प्रसिद्धि को हाथ ही लगाया नहीं, ऐसा नहीं है, अस्पृश्य नहीं माना, अछूता नहीं माना, लेकिन नीड्स बेस्ड मिनिमम, कम से कम आवश्यकता पर आधारित, इतनी ही प्रसिद्धि ऐसी हमने ली। लेकिन जैसे उन दिनों में हमारे सोशलिस्ट नेता लोग धुआंधार प्रसिद्धि की व्यवस्था करते थे, ये संघ वालों ने कभी किया नहीं। और इसलिए हम जो अखबार पढ़ने वाले कॉलेजिएट लोग थे, और हमारा थिंकिंग भी अखबारी थिंकिंग था, कॉलेज में हमारे लाइब्रेरी में सभी अखबार आते थे, हम पढ़ते थे, हमारा न्यूज़पेपर थिंकिंग था। न्यूज़पेपर थिंकिंग का मतलब होता है कि अखबार पढ़ना, हेडलाइन देख लेना, उसी पर से अपने सारे विचार बना लेना। अखबार तो सबने पढ़ना चाहिए, उसमें जो समाचार आते हैं वो सारे पढ़ने चाहिए, लेकिन अखबार पढ़कर ही अपनी राय बनाना, इसको न्यूज़पेपर थिंकिंग हम कहेंगे। तो हमारा भी न्यूज़पेपर थिंकिंग था। तो हमको ये लगता था कि भाई किसी ने सुझाव देना चाहिए संघ के नेताओं के, भाई आप ये अपनी कार्य पद्धति चलाइए, दक्षारम चलाइए, जरा ये पब्लिसिटी का भी सोशलिस्टों के जैसा आप क्यों नहीं कर लेते। हमने एक को कहा, हमने कहा भाई डॉक्टर जी को आप जरा सुझाव दीजिए, मैं तो छोटा था, मैं कैसे बोल सकता था।
तो उन्होंने कहा कि तुम बेटा जानते नहीं हो कि डॉक्टर जी इस विषय में तो एक्सपर्ट है, और उन्होंने जो बात बताई वो बाद में उनकी जीवनी में भी आई है, आपने पढ़ी होगी कि कलकत्ता में रहते हुए डॉक्टर जी क्रांतिकारी आंदोलन में थे, लेकिन बाकी बातें भी उन्होंने इतनी सीख ली थी कि ये प्रचार तंत्र भी उन्होंने अच्छा सीख लिया था। और एक समय की घटना परम पूजनीय डॉक्टर जी के जीवन में ऐसी आती है कि एक कोई विशेष बात न्यूज आइटम के नाते, समाचार के नाते अखबार में आना चाहिए, यह आवश्यक प्रतीत होता था, लेकिन वो रिजोल्यूशन जिस सभा में पास हुआ वो सभा हुई नहीं थी, और तुरंत सभा बुलाना भी संभव नहीं था। तो भी परम पूजनीय डॉक्टर जी ने ऐसी व्यवस्था की कि समाचार बराबर लिख दिया, टाइप कर दिया, सभी अखबारों के पास भेजा, दूसरे दिन अच्छे डबल कॉलम हेडलाइन में वो समाचार प्रकाशित हुआ कि फलानी सभा हुई थी, वहां ये रिजोल्यूशन पास हुआ, ये सारा समाचार पत्र में आया। तो संघ के संस्थापक जन्मदाता परम पूजनीय डॉक्टर जी प्रजा प्रचार तंत्र के बारे में अज्ञानी थे ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना जो प्रचार तंत्र जानते थे उनके दिमाग में ये क्यों नहीं आ रहा कि भाई इधर भी जरा पब्लिसिटी करनी चाहिए, ये हमारे मन में बात थी। अब तो अनुभव के आधार पर हमें पता चलता है कि केवल प्रसिद्धि के परिणाम अच्छे नहीं, क्योंकि जैसे मैंने सोशलिस्टों का उदाहरण कहा, आपको आश्चर्य होगा कि 1934 से नेक्स्ट टू गांधीवादी कांग्रेस सोशलिस्टों को ही सबसे ज्यादा पब्लिसिटी मिली, और समाचार पत्र की पब्लिसिटी इस नाते आप किसी भी एक साल या पांच साल या दस साल के सारे अखबार इकट्ठा कीजिए, उसमें आप देखिए कि हमारे परम पूजनीय सरसंघ चालक जी को कवरेज कितना मिला, सोशलिस्ट नेताओं को कितना मिला, कई गुना अधिक मिला है। अपने यहां तो बहुत कवरेज कम मिलता है, सरसंघ चालक जी को भी बहुत बड़ा कवरेज नहीं है, लेकिन इनके जो छोटे बड़े लोकल लीडर है उनको भी कवरेज हमारे सरसंघ चालक जी से ज्यादा मिला, इतने धुआंधार प्रसिद्धि उन्होंने प्राप्त की। अब हम देख सकते हैं 50 साल हो गए सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना होकर, इतनी प्रसिद्धि सोशलिस्टों ने प्राप्त की, 84 में 50 साल पूरे हुए। अब उस समय क्या हुआ कि इत्तेफाक से बंबई एयरपोर्ट पर हम तीन लोग इकट्ठा आए, हवाई जहाज के हम प्रवासी थे, और 7 घंटा तक मैकेनिकल डिसऑर्डर के कारण हमको बॉम्बे एयरपोर्ट पर रुकना पड़ा। तो पुराने परिचय के कारण, मित्रता के कारण हम तीनों इकट्ठा ही थे। मेरे अलावा दो जो सज्जन थे उसमें से, आप जानते हैं कि इमरजेंसी के पहले सोशलिस्ट पार्टी के दो हिस्से थे, एसएसपी और पीएसपी। एसएसपी के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट थे एसएम जोशी, और पीएसपी के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट थे नाना साहेब गोरे, एनजी गोरे। तो हम तीनों 7 घंटा तक इकट्ठा रहे। अब इधर उधर की बातें चली, तो गोरे जी मराठी में अच्छे साहित्यिक है, तो मुझे लगा कि भाई उनको भी जरा खुश करना चाहिए, क्योंकि आपने हमको संघ में बताया है कि सबको प्रसन्न रखना, तो उनको प्रसन्न रखने की दृष्टि से अपनी ओर से हमने एक बात सुझाव के रूप में बताया। हमने कहा नाना साहब आप बहुत अच्छे साहित्यिक है, आप ऐसा कीजिए कि 50 ईयर्स ऑफ सोशलिज्म इन इंडिया, हिंदुस्तान में समाजवाद के 50 वर्ष, ऐसा एक ग्रंथ लिखी, आपका ये काम बड़ा मॉन्यूमेंटल होगा, सब लोगों के ख्याल में कई साल तक रहेगा। जैसे मैंने कहा, उनका चेहरा देखकर मुझे लगा कि मैंने गलती की, चेहरा उनका एकदम उतर गया। उन्होंने कहा आप क्या बोल रहे हैं, 50 साल हमने काम किया, लेकिन आज 50 साल के बाद हमारी सोशलिस्ट पार्टी नाम की पार्टी भी अस्तित्व में नहीं है, मैं क्या लिखूं इतिहास। मेरे ख्याल में आया मैंने गलती की, मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं, मैं संभालने के लिए कुछ बोल दिया, लेकिन ख्याल में आया कि 50 साल जिनके छोटे बड़े नेताओं को भी हमारे सरसंघ चालक जी से कई गुना अधिक पब्लिसिटी प्राप्त हुई, वो पार्टी ही अस्तित्व में नहीं, हमारा काम बढ़ रहा है। तो प्रसिद्धि के आधार पर कुछ काम होते हैं, होते नहीं ऐसा नहीं है, कौन से काम होते हैं ये विचार अब तो मन में आता है। अभी 6 महीना पहले इंडिया टुडे नाम का जो एक निकलता है उसमें एक आर्टिकल आया था, वेयर आर दे नाउ, वे लोग आज कहाँ हैं, ऐसा उसका शीर्षक था। और उसमें उन्होंने क्या किया था कि 1975 से 1985 तक
कुछ नेता ऐसे हुए कि हर दिन जिनका नाम अखबार में आता था, बहुत प्रसिद्धि उन्होंने प्राप्त की, इतना नहीं, ऐसे लोगों के नाम दिए थे, वेर आर दे नाउ ऐसा नाम था। अब ये तो अब हम देख सकते हैं, लेकिन जब कॉलेज में थे उस समय ये थोड़ा ही मन में के सामने था। उस समय तो इंप्रेशन होता था कि साहब ये काम कम कर रहे, इतनी प्रसिद्धि मिल रही, संघ वाले इतना ज्यादा काम करते, इनको कुछ प्रसिद्धि नहीं। अब प्रसिद्धि का कुछ उपयोग है कि नहीं है, किस काम के लिए है? संघ में जो हम पर्सनल कॉन्टैक्ट कहते हैं, मैन टू मैन कॉन्टैक्ट कहते हैं, इसका भी उपयोग है कि नहीं है? वो किस काम के लिए है? उद्देश्य जो होगा, ऑब्जेक्टिव जो होगा, ध्येय जो होगा, उस उद्देश्य से सुसंगत अपने साधन रहने चाहिए। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए प्रसिद्धि यह बड़ा सुसंगत साधन होगा, क्योंकि आज प्रसिद्धि कर ली, कल वोट प्राप्त किया, इतना ही करना है तो प्रसिद्धि बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिन्होंने राष्ट्र निर्माण करना है, एक बड़ा संगठन करना है, संपूर्ण समाज को सुसंगठित अवस्था में लाना है, उनके लिए इसका क्या परिणाम होगा? जैसे यह है, किसी ने हमको पूछा, कहा भाई स्ट्रेप्टोमाइसिन कैसी दवा है, अच्छी है या खराब है? हमने कहा भाई अच्छी है या खराब है, इसका जवाब कैसे दूं? किस बीमारी के लिए अच्छी या खराब बताइए। एक्जिमा के लिए अच्छी है या खराब है? खराब है। टीबी के लिए अच्छी या खराब है? बहुत अच्छी है। बीमारी क्या है यह देखकर फिर वो दवा अच्छी है या बुरी है यह कहा जाता है। वैसे उद्देश्य क्या है यह देखकर साधन कौन सा उपयोग में लाना यह देखा जाता है। अब यह जो सारी बातें चलती है, प्रतिमा निर्माण करना, नेता को एकदम बड़ा बताना, ये सारी बातें हो सकता है किसी क्षेत्र में इसका उपयोग होगा जहां तात्कालिक लाभ प्राप्त करना है। आज आपने नेता की जय जयकार कर दी, कल आपने कुछ लाभ प्राप्त कर दिया। जहां राष्ट्र निर्माण करना है, संपूर्ण समाज को सुसंगठित करना है, वहां ये बात लाभदायक होगी क्या? हमारे ध्येय के साथ सुसंगत होगा क्या? उस समय नहीं समझता था, आज जब सारा सार्वजनिक जीवन इतने साल से मैं देख रहा हूं, इससे पता चलता है कि परम पूजनीय डॉक्टर जी ने यह प्रसिद्धि विन्मुखता का सिद्धांत कितना लंबा विचार करते हुए और मौलिक विचार करते हुए रखा। ऐसा नहीं था कि उनको प्रचार तंत्र की जानकारी नहीं थी, वो उसमें भी एक्सपर्ट थे, लेकिन सोच समझ करके हमने प्राप्त क्या करना है उससे मेल खाने वाले साधन होने चाहिए, इसलिए प्रसिद्धि विन्मुखता को रखा। क्योंकि आज इतने साल के बाद हम अनुभव कर रहे हैं, आप सब अनुभव करते होंगे, कि यह जो प्रतिमा निर्माण, इमेज बिल्डिंग, एक एक व्यक्ति का इमेज बड़ा बनाना, इसका जो परिणाम होता है, प्रसिद्धि का जो परिणाम होता है, ये प्रसिद्धि का परिणाम हमारे उद्देश्यों से मेल खाता है क्या? उस समय नहीं समझता था, आज हम भी समझते हैं और आप भी समझ रहे हैं, क्योंकि आज सार्वजनिक जीवन में वह बात स्पष्ट हो रही है, बच्चे के भी ख्याल में आ सकती है, इतनी बात स्पष्ट हो रही कि प्रसिद्धि और इमेज बिल्डिंग, प्रतिमा निर्माण का परिणाम क्या होता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में हम क्या निर्माण करना चाहते हैं? हम निर्माण करना चाहते हैं सुसंस्कारित हिंदू, माने स्वयंसेवक, जो संपूर्ण हिंदू समाज के साथ एकात्मता का अनुभव कर रहा है, संपूर्ण हिंदू समाज के साथ एकात्मता, और वह इतना हिंदू समाज के साथ एकात्म है, स्वयं अपने को हिंदू राष्ट्रांगभूत समझता है, कि जिसके कारण वह स्वयं को भूल गया है, समाज में उसने अपने को विलीन कर लिया है मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, और इसके कारण मैं, मेरा अहंकार, सारी बातें भूल गया है, व्यक्तिगत आकांक्षाएं सब भूल गया है, और वह तो केवल इतना ही सोचता है कि बस जो कुछ भी है, राष्ट्र के लिए मैं हूं और कुछ नहीं, राष्ट्र का सुख मेरा सुख, राष्ट्र का दुख मेरा दुख, अपना व्यक्तिगत अहम कुछ नहीं, यह भाव हम संघ के स्वयंसेवक के मन में निर्माण करना चाहते हैं। इसी से राष्ट्र निर्माण हो सकता है, इसी से समाज सुसंगठित हो सकता है, यह हमारा उद्देश्य। और प्रसिद्धि के कारण हम उल्टा देखते हैं, एक तरफ अहंकार निर्माण होता है, एक तरफ पर्सनैलिटी कल्ट निर्माण होता है, और ये जो भावनाएं निर्माण होती है वह मनुष्य को आत्मसमर्पित होने में बाधा के रूप में खड़ी होती है। यह अनुभव आप और हम आज कर रहे हैं, हमारी जय जयकार हुई, ठेंगड़ी जी जिंदाबाद, हमको बड़ा आनंद हुआ। फिर जरा हमारा सीना भी तन गया, सोचने लगे कि हम भी कुछ कम नहीं है, हमारे भी जय जयकार करने वाले 10 लोग है, हम भी नेता है। अब ये नेतागिरी तो आ गई, लेकिन जो समर्पण भाव था, धर्मयुग ने सब लोगों के संदेश लिए और उनके हस्ताक्षर लिए, सबसे छोटा संदेश हस्ताक्षर सहित परम पूजनीय गुरुजी का था,
वो इतना ही था, मैं नहीं तू ही, मैं नहीं तू ही। अब ये जो भाव है मैं नहीं तू ही, ये राष्ट्र समर्पण का भाव, यह ये जय जयकार में से, प्रसिद्धि में से ये भाव निर्माण होगा या इसमें बाधा निर्माण होगी? तो स्पष्ट है कि जो मनुष्य निर्माण हम करना चाहते हैं, जिस टाइप का मनुष्य निर्माण करना चाहते हैं, उसके बिल्कुल प्रतिकूल, विपरीत, विरुद्ध भावनाएं मनुष्य के मन में निर्माण करने वाली यह प्रक्रिया है, और इसके कारण यह प्रक्रिया हमारे काम के लिए उपयुक्त नहीं। एक्जिमा के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन अच्छा नहीं। अब स्ट्रेप्टोमाइसिन अच्छा है कि नहीं, टीबी वालों को पूछिए। टीबी के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टीबी वालों ने कहा इस गुणकारी है, गुणकारी मान लीजिए। राष्ट्र जीवन के किसी क्षेत्र में लोगों ने यदि अनुभव लिया, प्रसिद्धि से बड़े काम होते, भाई आपके क्षेत्र में आपके लिए, आपके उद्देश्य दूसरे हो गए, आपके तात्कालिक लाभ के उद्देश्य है, उसके लिए शायद वो उपयुक्त हो सकता है। वो भी उपयुक्त है या नहीं, इसके विषय में अभी चर्चा चल रही है सार्वजनिक जीवन में, कि वे भी काम जो तात्कालिक लाभ के है, वे भी प्रसिद्धि के आधार पर कहां तक हो सकते हैं। और यह सोचना कि पब्लिसिटी इज ए सब्स्टिट्यूट फॉर ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के लिए एक विकल्प याने प्रसिद्धि है, ये कहां तक ठीक है, इसके विषय में संपूर्ण दुनिया में यह पुनर्चर्चा सार्वजनिक जीवन में चल रही है। लेकिन जहां जिस क्षेत्र में लोग समझते होंगे, वो भले ही समझे, उनका उद्देश्य तात्कालिक लाभ का है, लेकिन हमारा जो उद्देश्य है एक दीर्घकालीन उद्देश्य है, दीर्घकालीन उद्देश्य के लिए यह काम नहीं देता। जिस प्रकार का मनुष्य हम निर्माण करना चाहते हैं, उसके विपरीत संस्कारों का निर्माण इस प्रक्रिया में से होता है। यह एक लंबा विचार करते हुए परम पूजनीय डॉक्टर जी ने यह सोचा होगा कि प्रसिद्धि विन्मुखता आवश्यक, प्रसिद्धि विन्मुखता से ही आत्मसमर्पण भाव, मैं नहीं तू ही, यह भाव स्वयंसेवकों के मन में आ सकता है। ये जो सस्ते मार्ग ऊपर के दिखते हैं, उनको यदि लिया तो संघ का धुआंधार प्रचार तो हो सकता है, लेकिन ये ऐसी स्ट्रैटेजी होगी जो हमारे उद्देश्य से और पहले स्ट्रैटेजी से मेल नहीं खाती। जैसे मैंने कहा कि पहली स्ट्रैटेजी ली अच्छा माल कम कीमत, और बाद में उसमें दूसरी स्ट्रैटेजी एडवर्टीजमेंट की जोड़ दी, जो दूसरी स्ट्रैटेजी पहले स्ट्रैटेजी से मेल नहीं खाती थी, ऐसा ही हमारा भी मामला हो जाएगा। आत्मसमर्पण का भाव निर्माण करने वाली हमारी कार्य पद्धति, और उसमें भी दूसरी स्ट्रैटेजी ऐसे धुआंधार प्रसिद्धि की जोड़ दी जो इससे मेल नहीं खाती, तो ना स्वयं सेवक का निर्माण होगा, ना प्रसिद्धि के कारण होने वाला काम इससे कुछ हमारा राष्ट्र निर्माण हो सकता है। माया मिली न राम, ऐसी हमारी अवस्था होगी। यह सोचकर ये सारा प्रचार तंत्र जानते हुए भी गहराई से चिंतन करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी ये कार्य पद्धति है, हम इस मोह में नहीं जाएंगे कि भाई धुआंधार प्रसिद्धि होनी चाहिए, प्रसिद्धि विमुक्ता को रखा। लेकिन हमारे मन में उस समय वो तो प्रश्न था, इसलिए कहा कि कल जैसे मैंने बड़े श्रद्धा पूर्वक और विश्वास पूर्वक आपको कहा कि हमारी कार्य पद्धति ही एकमात्र है हमारा ध्येय सिद्ध करने के लिए, तो ये श्रद्धा मन में होते हुए भी मन में प्रश्न और संदेह निर्माण होते थे, जिसमें से एक प्रश्न और संदेह यह इस विषय में था कि भाई ये जो दक्षारम्भ करे, ठीक है दक्षारम्भ करो, और एक आयाम जोड़ दीजिए प्रसिद्धि का, वह क्यों नहीं जोड़ रहे? ऐसा हमारे भी मन में प्रश्न निर्माण होता था। इसका मतलब ये नहीं था कि संघ के नेतृत्व पर हमारा विश्वास नहीं था, ऐसा नहीं था, लेकिन जैसे मैंने कहा कि जिज्ञासा युक्त श्रद्धा यह सच्ची श्रद्धा है, जिज्ञासा विहीन श्रद्धा अंधश्रद्धा है, वो ज्यादा दिन टिकती नहीं। तो श्रद्धा रहते हुए भी कुछ प्रश्न कुछ संदेह मन में निर्माण होते। और भी एक आता था, और मेरा ऐसा ख्याल है कि वो सभी स्वयंसेवकों के मन में आता है, वो आता है कि भाई ठीक है हमारा काम बड़ा लंबा है, दीर्घकालीन हमारा काम है, बहुत दिन तक काम करना पड़ेगा, स्पष्ट है। एक गलतफहमी जो पहली थी आज तो दूर हो गई, पहले गलतफहमी थी कि भी संघ का कार्य तुरंत पूरा क्यों नहीं हो गया। कहते थे परम पूजनीय डॉक्टर जी ने ऐसा कहा, नजदीक का भी देखते हैं दूर का भी देखते हैं। वैसे वो नजदीक का भी देखते थे दूर का भी देखते थे। नजदीक का उन्होंने तात्कालिक लक्ष्य के नाते स्वराज्य प्राप्ति को रखा था, दूर का लक्ष्य इस नाते परम वैभवम को रखा। तो परम वैभवम यह दूर का लक्ष्य, स्वराज्य यह तात्कालिक लक्ष्य, और यह जो तात्कालिक लक्ष्य है उसके बारे में कहा कि या की देही या की जोड़ा, इसी जीवन काल में यह पूर्ण होना चाहिए। क्योंकि जहां परम वैभवम का प्रश्न है, राष्ट्र का परम वैभव, तो वह इसी जीवन में एक जीवन में प्राप्त होगा, ऐसा भी कोई भला आदमी सोचेगा तो उसको बुद्धिमान समझना यह उचित नहीं है।
क्योंकि राष्ट्र का परम वैभव इतनी बड़ी बात है कि संपूर्ण दुनिया का नेतृत्व हम करें, भौतिक दृष्टि से करें, आध्यात्मिक सांस्कृतिक दृष्टि से करें, यश जाने में बहुत लंबा समय लगता है। तो कोई भी आदमी यदि ऐसा कहेगा कि हमारे ही जीते जी और सारे दुनिया का भौतिक आध्यात्मिक सांस्कृतिक नेतृत्व हमारा राष्ट्र कर सकेगा, तो वो बहुत ओछा आदमी है, ऐसा कहना पड़ेगा। ऐसा ओछापन हम परम पूजनीय डॉक्टर जी को नहीं लगा सकते। तो याची देही याची डोड़ा, यह जो कहा गया था इसी जीवन काल में, वह तात्कालिक लक्ष्य स्वराज्य प्राप्ति के बारे में कहा गया था। तो यह जो एक पहले गलतफहमी कुछ लोगों के मन में थी, यह तो अभी दूर हो गई। लेकिन मनुष्य है, लंबी देर तक काम करना है तो लोग कहते भी लंबी देर तक काम करेंगे, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन भाई बीच में ऐसा भी तो कुछ चकाचौंध करने वाला चमत्कार हम दिखा सके जिसके कारण जरा चार लोग आकृष्ट हो सके। कार्य पद्धति हमारी अच्छी है, पद्धति हमारी अच्छी है, जिसके गुण हैं यही एकमात्र मार्ग है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन चूंकि हम लोगों को एकदम आकर्षित करने वाली, इम्प्रेस करने वाली ऐसी घटनाएं कुछ बार बार करके नहीं दिखा सकते, चमत्कार नहीं करके दिखा सकते, इसके कारण हमारी कार्य पद्धति अच्छी होते हुए भी वह आकर्षक नहीं है। यह हमारे मन में आता है, मेरे भी मन में कि हमारी कार्य पद्धति अच्छी है लेकिन आकर्षक नहीं। अब आकर्षक नहीं है यह बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आकर्षक ऐसे और साधन है, यही एकमात्र कार्य पद्धति नहीं है सब लोगों के लिए, हमारे लिए यह एकमात्र है। बाकी जैसे मैंने कहा प्रसिद्धि यह साधन हो सकता है, बाकी भी साधन हो सकते हैं। हमारी कार्य पद्धति आकर्षक है कि आकर्षक नहीं? कुछ लोगों का ऐसा गलत ख्याल है कि पहले आकर्षक थी अब आकर्षण कम हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं। कुछ एक गलत ख्याल मैंने ऐसा सुना है, कुछ लोगों को लगता है कि 1947 के पहले तो संघ की कार्य पद्धति बहुत लोकप्रिय थी, अब लोकप्रियता कम हो गई, ऐसा नहीं। ये ठीक है कि पाकिस्तान का सवाल जब आया, एक प्रतिक्रिया लोगों के मन में निर्माण हुई, उसके कारण खासकर उत्तर के कुछ प्रदेशों में जो अफेक्टेड एरियाज थे, जो पीड़ित प्रदेश थे, वहां प्रतिक्रिया के रूप में संघ स्थान पर उपस्थिति बढ़ने लगी। लोग अपने अपने संरक्षण की दृष्टि से संघ स्थान पर आना शुरू कर दिए थे, और उस समय भी परम पूजनीय गुरु जी कहते थे कि यह जो संख्या बढ़ रही है, यह संघ की शक्ति नहीं बढ़ रही, यह सूजन बढ़ रही है, स्वेलिंग बढ़ रहा है, तो यह सूजन है, इससे सावधान रहना है। यह बात परम पूजनीय गुरु जी स्पष्ट कहते थे। और यह भी जो कालावधि था वो 2-3 साल का था, इससे ज्यादा नहीं। अब उसी समय जो संघ में आ गए, उनको लगता है कि उस समय तो संघ का बड़ा आकर्षण था, आज आकर्षण कम हो गया। और अब जब नए लोग ऐसे पुराने स्वयंसेवकों के पास जाते हैं तो वो बड़े ठाट से कहते, वो आते नहीं संघ स्थान पर, लेकिन बड़े ठाट से कहते, अरे तुम तो कल के बच्चे हो, तुमको क्या मालूम है संघ क्या है, संघ तो वो है जो हमारे समय था। तो हमारे नए कार्यकर्ता को भी लगता है कि साहब संघ का कोई स्वर्ण युग होगा, जब लोग बिल्कुल क्यू में खड़े होकर संघ स्थान पर आते थे और कहते होंगे कि साहब हमको शाखा में लीजिए नहीं तो हम हंगर स्ट्राइक करेंगे, ऐसा कोई समय पहले आया होगा, ऐसा एक गलत ख्याल लोगों का पैदा होता है। ऐसा कभी नहीं आया। प्रतिक्रिया के रूप में 2-3 साल तक यह प्रक्रिया थी, प्रतिक्रिया के रूप में थी, उत्तर के कुछ पीड़ित प्रदेशों में थी, सीमित समय तक थी, ज्यादा नहीं थी, पहले से यही था। आज जैसे हमारी कार्य पद्धति आकर्षक नहीं ऐसा लगता है, पहले भी लगता था, पहले भी एक एक स्वयंसेवक को प्राप्त करने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती थी। अब ऐसा होता है कि हम जब कहते हैं कि हमारी कार्य पद्धति बहुत अच्छी है, तो हमारे कार्य पद्धति का जो स्ट्रांग पॉइंट है वही उसका वीक पॉइंट। हर अच्छी बात के बारे में ऐसा है कि कोई भी अच्छी बात, उसका जो स्ट्रांग पॉइंट होता है वही वीक पॉइंट होता है। अब आप देखिए शास्त्रीय संगीत की महफल है, अब ये सब मानते हैं कि शास्त्रीय संगीत क्लासिकल म्यूजिक या श्रेष्ठ संगीत है, सबने मान लिया। अब उसकी श्रेष्ठता उसका स्ट्रांग पॉइंट है, और आपके ख्याल में आएगा आज कि उसकी श्रेष्ठता उसका वीक पॉइंट भी, जो उसके दर्दी है, जो समझने वाले है। विशुद्ध शास्त्रीय संगीत की महफल रही, संख्या बहुत कम रहेगी जो शास्त्रीय संगीत जानते हैं, और फिर वहां भी यदि ज्यादा लोगों की भीड़ रही और बीच में यदि कहा कि आपकी फरमाइश क्या है, तो शास्त्रीय संगीत की फरमाइश नहीं होगी, वो फलाना राग गाई है, ऐसा कोई नहीं कहेगा, ये कहेगा जरा फिल्मी गीत गाई। वास्तव में सब मानते हैं कि फिल्मी गीत ये लो स्टैंडर्ड का है, शास्त्रीय संगीत ऊंचे स्टैंडर्ड का है।
लेकिन शास्त्रीय संगीत उच्चे स्टैंडर्ड का है, यह जो उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वही उसका वीक पॉइंट इसलिए हो जाता है कि लोगों की टेस्ट उतनी ऊंची नहीं है, वो फिल्मी संगीत पर आ जाते हैं। विशुद्ध फिल्मी संगीत की महफिल रही, वहां भीड़ बहुत रहेगी, शास्त्रीय संगीत के लिए भीड़ कम रहेगी। जो स्ट्रांग पॉइंट रहता है वही वीक पॉइंट रहता है। अब हमारी कार्य पद्धति उसका स्ट्रांग पॉइंट है, जो कार्य पद्धति की रचना है वही उसका वीक पॉइंट सर्वसामान्य व्यक्ति के लिए है, कि उसका आकर्षण नहीं हो सकता। जैसे शास्त्रीय संगीत का आकर्षण नहीं फिल्मी संगीत का आकर्षण है, वैसे हमारे कार्य पद्धति के लिए सामान्य आदमी को एकदम आकर्षण नहीं हो सकता। जो इसमें आएगा राग क्या है, रागिणी क्या है, शास्त्रीय क्या है समझ लेगा। फिर जो एक बार शास्त्रीय संगीत सीख लेता है वो फिल्मी संगीत की महफिल अटेंड ही नहीं करता, क्योंकि उसकी टेस्ट ऊंची हो जाती है, उसका स्टैंडर्ड ऊंचा हो जाता है। लेकिन सर्वसाधारण आदमी के लिए उतना ऊंचा स्टैंडर्ड नहीं चल सकता। अब हमारी कार्य पद्धति है, इसमें लगातार काम करना पड़ता है। लोगों को आदत सस्ते मार्ग की लगी, और आदत यह लगी कि हम जितना काम करते हैं उसका कुछ ना कुछ फल तुरंत दिखना चाहिए। वास्तव में हम फल देखते हैं, संघ की शक्ति बढ़ रही है। मैं समझता हूं कि संघ की शक्ति, तीन बातों को मिलकर संघ की शक्ति का अंदाजा किया जा सकता है। एक तो प्रत्यक्ष संघस्थान में, संघस्थान पर आने वाले स्वयंसेवकों की संख्या, दूसरा कि हमारे स्वयंसेवक विभिन्न कार्य क्षेत्रों में काम कर रहे हैं उनके प्रभाव क्षेत्रों की शक्ति, और तीसरी जनरल लेवल ऑफ हिंदू कॉन्शियसनेस, हिंदू चेतना का सर्वसाधारण स्तर। तीनों बातों को मिलकर संघ की शक्ति है, और वह तीनों बातों को मिलकर हमारी शक्ति बढ़ रही है, यह भी हम अनुभव करते हैं। लेकिन साथ ही साथ ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो भी तुरंत लाभदायक ऐसी बात होनी चाहिए, क्योंकि परिस्थिति का प्रभाव। हम बाहर देखते हैं कि लोग थोड़ा सा काम करते कुछ ना कुछ लाभ हो जाता है, थोड़ा सा किसी ने काम किया। अब हमारे एक मित्र है, वो कहते भाई तुम संघ वाले बड़े मूर्ख हो, इतनी मेहनत करते हो और फिर जहां के वहीं खड़े हो, हम तो बुद्धिमान लोग हैं, 3 साल तक जनसेवा करते हैं, एमएलए बन जाते, 1 महीना तक हंगर स्ट्राइक करेंगे घोषणा करते एमपी बन जाते, और तुम्हारे यहां बड़े बड़े लोग 40 साल तक 45 साल तक काम करने वाले हैं, माननीय बाबा साहब आपके, माननीय दादाराव परमार्थ है, माननीय भैया जी दानी है, कितने ही लोग हैं, सारा जीवन संघ कार्य में दे दिया, उनको कुछ मिला ही नहीं। हम तो 3-3.5 साल तक जरा जनसेवा करते तो एमएलए एमपी बन जाते, ये क्या तुम्हारी कार्य पद्धति है। कहते हैं कि ये सब पिछड़े हुए तुम लोग हो। और हमारे एक मित्र ने तो यहां तक कहा कि गधे तो मेहनत तो गधे भी करते। अब ये सारा ठीक है, लेकिन हम यह सोचे कि तात्कालिक लाभ के पीछे ये हमारे मूल उद्देश्य से कहां तक मेल खाएगा। हमारा जो उद्देश्य है परम वैभवम नेतुमेत स्वराष्ट्रम, इस दृष्टि से संपूर्ण समाज को सुसंगठित करना है, इस दृष्टि से हिंदू को सुसंस्कारित करना है, उस दृष्टि से एक संपूर्ण समाज के साथ एकात्मता का भाव, आत्मसमर्पण का भाव उसके मन में निर्माण करना है, और इसके दृष्टि से संघ की कार्य पद्धति दिन प्रतिदिन का एकत्रीकरण और एक एक स्वयंसेवक के ऊपर संस्कार करना। हम तात्कालिक लाभ के पीछे लगे, वो लॉन्ग रेंज हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, दूर का जो हमारा ध्येय है, वह सिद्ध हो सकता है क्या? तात्कालिक लाभ तो मिलते जाएंगे, उसी चक्कर में हम चले जाएंगे। जैसे परम पूजनीय गुरुजी उदाहरण देते थे कि कोई योगी है, वह साधना शुरू करता है। साधना काय के लिए शुरू करता है? पर ब्रह्म की प्राप्ति हो इसलिए। लेकिन साधना करते करते बीच में उसको कुछ शक्तियां प्राप्त होती है, जिसको रिद्धि सिद्धि ऐसा कहते हैं। अब ये जो शक्तियां प्राप्त होती है उसके कारण वह चमत्कार दिखा सकता है, चमत्कार दिखाने की शक्ति उसके अंदर आती है। चाहे तो ऐसी चुटकी बजाकर बुक्का ला सकता है, गुलाल ला सकता है, आपके मन में क्या चल रहा है वो विचार बता सकता है, माने कुछ शक्तियां उसको प्राप्त होती है। शक्तियां प्राप्त होने के कारण लोगों के ऊपर वो इंप्रेशन जमा सकता है, उसके कारण एक लोकेशन आके लोगों के ऊपर इंप्रेशन जमाने की इच्छा उसके मन में निर्माण होती है। किंतु परम पूजनीय गुरु जी कहते थे कि शास्त्र ऐसा बताता है कि परब्रह्म के प्राप्ति के लिए जब आप योग साधना शुरू करते हैं और उसमें शक्तियां प्राप्त होती है, चमत्कार दिखाने से लोकेशन आपकी बढ़ जाती है, लोग आपके पीछे आते हैं, आपकी भी लोकेशन बढ़ जाती है, और इसी में जब आप उलझ जाएंगे तो आपकी तपश्चर्या भी समाप्त हो जाएगी, आप परब्रह्म तक नहीं पहुंचेंगे, जहां से निकले थे वहीं फिर से वापस आ जाएंगे।
इसीलिए वो उदाहरण देते थे कि विवेकानंद जी के हाथ इसमें विवेकानंद जी में जब यह शक्ति आ गई कि वह हस्त स्पर्श से किसी को समाधि लगा सकते थे, और वो हो सकता है या नहीं है देखने के लिए उन्होंने किसी को हाथ लगाया और उसको समाधि में भेज दिया। रामकृष्ण परमहंस ने वह बात दूर से समझ ली, डांटा विवेकानंद को कि तुमने यह क्या किया, तुम्हारी शक्ति बढ़ रही है, अब तुम्हारी शक्ति घट जाएगी क्योंकि तुमने शक्ति का उपयोग किया है। अब ये जो तात्कालिक बातें हैं उनके चक्कर में हम जाएंगे तो क्या हमारा अंतिम लक्ष्य पूरा हो सकता है, या इसके लिए लगातार तात्कालिक कोई लाभ दिखे न दिखे काम करने की आवश्यकता है। हमने योग का उदाहरण दिया, प्रत्यक्ष व्यवहार का भी यदि उदाहरण देते तो आज जिसके कारण कुछ लाभ नहीं हो रहा ऐसा दिखता है, यही काम अंततोगत वा लाभदायक होता है ऐसा व्यवहार का भी अनुभव है। और इसके विषय में आजकल तो बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण औद्योगिक क्षेत्र में चलता है, प्रत्यक्ष उदाहरण है। तीन देश तीन चीजों के लिए प्रसिद्ध थे, स्विट्जरलैंड घड़ियों के लिए प्रसिद्ध था, जर्मनी फोटो कैमरा के लिए प्रसिद्ध था, और ऑटोमोबाइल के लिए अमेरिका प्रसिद्ध थी। अब तीनों में अलग अलग कंपनियां थी, घड़ी वाली अनेक कंपनियां थी, कैमरा वाली अनेक कंपनियां जर्मनी में थी, ऑटोमोबाइल वाली अनेक कंपनियां थी, और वो तात्कालिक लाभ का विचार करते थे। माने क्या है कि अलग अलग कंपनियों में जो कॉम्पिटिशन चलती है तो अपने कॉम्पिटिशन में हम अपने प्रतिस्पर्धी कंपनी पर कैसे मात कर सकते हैं, इतना ही सीमित विचार करते हुए सभी कंपनियों का प्लानिंग होता था। अब तीनों देशों में, स्विट्जरलैंड में घड़ी के लिए, कैमरा के लिए जर्मनी में, ऑटोमोबाइल के लिए अमेरिका में साधन स्रोत थे, जापान के पास साधन स्रोत बिल्कुल नहीं थे, बाहर से मंगवाकर उनको सर मैन्युफैक्चर करना पड़ता था। लेकिन उन्होंने तात्कालिक लाभ का विचार नहीं किया। यहां जैसे मैंने कहा कि अलग अलग कंपनियां थी, प्राइवेट कंपनियां थी, तात्कालिक लाभ का विचार करती थी, अपने कॉम्पिटिटर के साथ हम कैसे मात उनके ऊपर कैसे मात कर सकते थे, इतना ही विचार करती थी। जापान ने लॉन्ग रेंज विजन रखा, सभी लोग मिलकर एक यूनिट उन्होंने तैयार किया एक एक उद्योग का, और ऐसा काम हाथ में लिया जो घाटे का दिखता था, रिसर्च एंड डिजाइनिंग। माने तीनों उद्योगों में उन्होंने रिसर्च का काम हाथ में लिया, और आप जानते हैं कि रिसर्च का काम ये घाटे का होता है, उसमें मुनाफा नहीं है, ये तो पैसा ही वहां झोंकना पड़ता है। कई बार तो रिसर्च का काम इतना कठिन होता है लगता है बॉटमलेस पिट है, माने ये ऐसा खड्डा है जिसका कोई बॉटम ही नहीं है। उन्होंने तीनों उद्योगों में रिसर्च का काम शुरू किया, कई साल तक उनको मुनाफा वगैरह कुछ नहीं, पैसा ही खर्च करना पड़ा, लेकिन रिसर्च अच्छा हुआ, तीनों उद्योगों में अच्छा हुआ। और आज आपको आश्चर्य होगा कि जापान तीनों को, उनकी जो स्पेशलिटी उद्योग की थी उस उद्योग में तीनों को पीछे हटाकर जापान सामने आया। घड़ियों में स्विट्जरलैंड की तुलना में जापान पहले आया है, कैमरा में जर्मनी की तुलना में जापान पहले आया है, अमेरिका में अमेरिका के ऑटोमोबाइल जितनी बेची जाती है उससे ज्यादा जापान के ऑटोमोबाइल बेची जाती है। लेकिन इसके लिए उन्होंने जो स्ट्रेटेजी ली थी, लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजी ली थी, ऐसा नहीं था कि तुरंत इस साल क्या लाभ होता है, ऐसा नहीं, बहुत साल तक उनको रिसर्च में और घाटे में काम करना पड़ा, बाद में उसके अच्छे फल दिखाई देते हैं। तो हमारा जो काम है ये एक लॉन्ग रेंज विजन लेकर परम पूज्य ने डॉक्टर जी ने शुरू किया है, तो बाहर के परिस्थिति को देखकर, बाहर जो लोगों की मनस्थिति है उसको देखकर तुरंत लाभ कहाँ होता है वही करना चाहिए, जो बाहर के लोगों की स्ट्रेटेजी उसको देखकर हम अपने कार्य पद्धति के विषय में तरह तरह के प्रश्न संदेह मन में निर्माण न करें, अपने जो उद्देश्य है, लॉन्ग रेंज विजन है, दीर्घकालीन उद्देश्य है, उससे सुसंगत मेल खाने वाली अपनी यह कार्य पद्धति है। बाकी लोगों ने जो अलग अलग कार्य पद्धतियां ली है राष्ट्र जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में, वो कार्य पद्धतियां उनके लिए उपयुक्त हो सकती है, उपयुक्त है या नहीं उन्होंने देखना चाहिए, लेकिन हमारा जो यह एक राष्ट्र भवन निर्माण करने का कार्य है, उद्देश्य से मेल खाने वाली स्ट्रेटेजी हम लोगों ने ली है। और इस दृष्टि से जैसे मैंने कहा कि हमारी कार्य पद्धति के विषय में इतने साल के अनुभव के आधार पर जो हमारा निष्कर्ष है कि एष पंथा नान्यत् विद्यते अयनाय, वहां तक पहुंचाने वाली यही एक कार्य पद्धति है, इस विश्वास के साथ इसको पूरी तरह से अमल में लाने का हम प्रयास करें, इतना ही कहना इस समय पर्याप्त है।